हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, में जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था फाउंडेशन के बारे में, उसका ही कंटिन्यूएशन है। आज मैं आप लोगों को क्रीम फाउंडेशन के थोड़े ब्रांड्स बताऊंगी पहले, और फिर हम लोग पाउडर और मूज फाउंडेशन के बारे में देखेंगे। ओके, सो क्रीम फाउंडेशन क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ऐसे जो भी पैलेट्स में आते हैं वो क्रीम फाउंडेशन होता है गाइज, और इसके जो भी ब्रांड्स अच्छे हैं ना, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कौन से आप लोग खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल ब्रांड्स, हाई एंड ब्रांड्स, सब कुछ अभी देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पाउडर और मूज फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पाउडर फाउंडेशन जो होता है ना, वो ऐसे आपको बॉक्स में मिलता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है। तो क्या करता है पाउडर फाउंडेशन, क्या होता है उसमें? पाउडर फाउंडेशन में टैल्क होता है, कलर्स होते हैं। कलर क्यों डालते हैं? ताकि वो फाउंडेशन का इफेक्ट दे आपको, आपके चेहरे पे अच्छा एक कवरेज ऐड करे, इसलिए उसमें कलर्स डालते हैं। टैल्क क्या करता है? आपकी स्किन को ड्राई करता है। अगर ऑयली स्किन है आपकी और आप लोग पाउडर फाउंडेशन यूज़ करोगे, बहुत ही अमेजिंग काम करेगा, क्योंकि वो आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा और बहुत ही अच्छे करेगा, आपका फेस बहुत ही अमेजिंग दिखेगा। तो इसलिए पाउडर फाउंडेशन जो है ना, वो मोस्टली ऑयली स्किन के लिए बने हैं। बट अगर आप लोग उसको फाउंडेशन के ऊपर यूज़ करते हो, मतलब आपने एक लिक्विड फाउंडेशन लगाया है और फिर उसके ऊपर आपने पाउडर फाउंडेशन से उसको सील किया, उस केस में क्या हो जाता है ना, पाउडर फाउंडेशन हर एक स्किन टाइप के लिए चलता है। ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, कोई भी आपकी स्किन टाइप है गाइज, हर एक स्किन टाइप पे आप लोग पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, अगर आपने उसको लेयर किया है लिक्विड के ऊपर या क्रीम के ऊपर, तो उस केस में आप लोग कर सकते हो। बट अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाउडर फाउंडेशन अपने फेस पे लगा रहे हो, तो वो सिर्फ ऑयली स्किन पे ही चलेगा, क्योंकि अगर ड्राई स्किन पे आप लोग डायरेक्टली पाउडर लगा दोगे गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई होती है। ड्राई स्किन को मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और पाउडर फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर्स नहीं होते हैं, इसीलिए आप लोगों को उसको लेयर करना है, फाउंडेशन उसके ऊपर उसको लगाना है, ताकि वो अच्छा काम करे। अभी गाइस, पाउडर फाउंडेशन जो होता है ना, तो पाउडर फाउंडेशन में और एक है कि अगर आपने एक मीडियम कवरेज का फाउंडेशन लगा है, लिक्विड फाउंडेशन, और फिर उसके ऊपर आपने एक पाउडर फाउंडेशन लगाया, तो आपका जो मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है वो हाई कवरेज बन जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर पाउडर फाउंडेशन से उसको सील किया है। तो ऐसे वो कवरेज को भी चेंज करता है, तो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। अगर आपने हाई कवरेज का फाउंडेशन लगाया, उसके ऊपर आपने पाउडर लगाया, तो भी चलेगा, हाई कवरेज ही रहेगा वो। बट लो कवरेज के फाउंडेशन के ऊपर जब भी हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, तो वो लो कवरेज और मीडियम कवरेज का भी फाउंडेशन हाई कवरेज में चेंज हो जाता है। आपका मेकअप स्वेट प्रूफ हो जाता है, वाटर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आपने उसको पाउडर से सील किया है। अभी पाउडर फाउंडेशन जो कॉम्पैक्ट में आते हैं उसकी बात कर रही हूँ। मोस्टली पाउडर हम लोगों को लूज पाउडर भी मिलते हैं, वो अलग होते हैं। लूज पाउडर और पाउडर कॉम्पैक्ट में क्या फर्क होता है कि लूज पाउडर में जो कलर पिगमेंट्स है ना, वो कम होते हैं, और फाउंडेशन कॉम्पैक्ट जो आते हैं ना, उसमें जो कलर पिगमेंट है ना, वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कवरेज देता है। बट लूज पाउडर कवरेज नहीं ऐड करता है। तो ये पाउडर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी बात करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में भी। बट आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, पाउडर फाउंडेशन। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ पाउडर फाउंडेशन लगा के बाहर जा रहे हो गाइज, तो आप लोग देखोगे आधे घंटे में आपका मेकअप ऐसे लगेगा कि आपने किया ही नहीं है, क्योंकि वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम है। बट अगर आपने उसको लेयर किया फाउंडेशन के ऊपर, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, 8 to 10 hours भी बहुत अच्छा दिखेगा आपका मेकअप। तो हमेशा याद रखिए, पाउडर फाउंडेशन अगर आपको यूज़ करना है, तो उसको हमेशा लेयर करना है लिक्विड के ऊपर, तभी वो अच्छा रिजल्ट देगा। बट अगर आप लोग उसको डायरेक्टली यूज़ करोगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं मिलेगा, और वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे है पाउडर फाउंडेशन के कैसे बनता है, टैल्क और कलर से, और फिर ऑयली स्किन पे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने फाउंडेशन के ऊपर उसको लेयर किया है, तो ऑल स्किन टाइप के लिए बन जाता है, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा याद रखिए, पाउडर फाउंडेशन को हमेशा लेयर कीजिए, सिर्फ मत यूज़ कीजिए। अगर आप लेयर करते हो ना, तो उसका कवरेज भी बहुत हाई हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी भी हाई हो जाती है। और फिर आप लोग उसको कैसे लगा सकते हो, पाउडर पफ या ब्रश, आपके पास जो भी होगा ना पाउडर लगाने का ब्रश, उससे भी आप लोग लगा सकते हो। बट पफ से ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें ही पफ मिलता है गाइज, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को थोड़े ब्रांड्स बताती हूँ। तो गाइज, ब्रांड्स में मैक का बहुत अच्छा है, शोपरल का बहुत अच्छा है, शार्लेट टिल्बरी का भी अच्छा है, बहुत ही फाइनली मेल्ड है उसका भी जो फिनिश है, तो अच्छा दिखता है, हर एक स्किन टाइप पर चलता है वो भी। मैक्स टच अच्छा है अफोर्डेबल में, और मेबिलिन भी अच्छा है अफोर्डेबल में। ओके, तो ये सब पाउडर फाउंडेशन में आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा भी आपको कोई पता है अच्छा है, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आई होप अभी पाउडर फाउंडेशन का सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट मूज फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूज फाउंडेशन की हम लोग बात करें, तो मूज फाउंडेशन जो होता है ना, वो एक छोटा सा ऐसे डिब्बे में आपको मिल जाएगा, और उसके साथ ही ब्रश आता है, वो आपको लगाना है। तो मूज फाउंडेशन मोस्टली ऑयली स्किन के लिए होता है, उसका कवरेज अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है वो, और
उसका जो ड्यूरेबिलिटी है 4 से 6 घंटे तक अच्छा रहता है। अगर आप लोग कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस जाते हो तो आप लोग थोड़ा सा मूस फाउंडेशन लगा के जा सकते हो, अच्छा दिखता है, लाइट कवरेज देगा और प्यारा भी दिखेगा, आपके फेस के जो फ्लॉज है उसको भी हाइड करेगा, तो आप लोग अच्छा कवरेज भी देगा आपको और नेचुरल भी लगेगा, तो आप लोग मूस फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप लोग ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आप लोगों को मूस फाउंडेशन नहीं यूज़ करना है, सिर्फ डेली यूज़ के लिए आप लोग मूस फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। बट ब्राइडल के लिए आप लोगों को हमेशा, जो मैंने पहले बताया है, लिक्विड फाउंडेशन वही यूज़ करना होगा, वही सबसे अच्छा और अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो मूस फाउंडेशन ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल स्किन वाले यूज़ कर सकते हो, ड्राई स्किन वाले नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा आपके स्किन को। तो मूस फाउंडेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है गाइस कि ऑयली स्किन पे आप लोग यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल स्किन पे अच्छा है, फिर लाइट कवरेज देगा और 4 से 6 आवर्स है उसकी ड्यूरेबिलिटी। और आपको कैसे उसको लगाना है, आप लोग जो उसका ब्रश आता है ना उससे भी लगा सकते हो, उससे ही लगाओ, एक्चुअली उसी से लगाना है आपको, उसके साथ ही आता है तो हो जाएगा आपका काम। और गाइस जो ब्रांड्स हैं मूस फाउंडेशन के, तो ज़्यादा मूस फाउंडेशन बनते नहीं हैं क्योंकि मोस्टली वो ब्राइडल के लिए एंड ऑल यूज़ नहीं कर सकते। लैक्मे में आपको मिलेगा मूस फाउंडेशन, मेबिलिन में मिलेगा, तो आप लोग किसका भी खरीद सकते हो, दोनों भी अच्छे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को लिक्विड फाउंडेशन के बारे में बताया था और सब कुछ डिटेल में बताया था, अगर वो वीडियो मिस हुआ है तो प्लीज़ वो वाला देखना, दोनों कंटिन्यूशन में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक करना। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, जिसमें मैं आप लोगों के साथ पाउडर के बारे में भी बात करूंगी क्योंकि पाउडर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे, पाउडर के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर प्रैक्टिकल मेकअप भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, स्मोकी आईज सीखने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले हैं गाइज। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना और बेल बटन भी क्लिक करना ताकि आप लोग मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो, ओके। और शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ गाइज, शॉर्ट्स भी चेक करना होगी। मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, लव यू ऑल।